मशहूर उद्योगपति राय बहादुर सोढ़ी को 25 साल पहले खोए अपने पोते बलविंदर से। थैंक यू आंटी जी। की तलाश? वाह जी वाह। अरे बल्लू, ओ सस्या पाजी, आओ जी आओ, चाय चू पियो। अरे चाय चू सब छोड़, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, एक बात बता, ये पोटली वोटली लेके तेरी माँ ने तुझे लुधियाना से यहाँ भेजा, वो क्या तेरी असली माँ है? पाजी जब से होश संभाला उसी को मामा कह के बुलाया, तो मेरी असली माँ हुई ना जी। हट, नकली माँ है। अरे तेरे माँ बाप तो 25 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हो पाजी? और नहीं तो क्या, तेरे खानदान में सिर्फ दो ही लोग जिंदा है, एक तू और एक तेरा दादा। दादा? हाँ मेरे दादा। हाँ ये देख, उद्योगपति राय बहादुर सोढ़ी 25 साल पहले खोए अपने पोते बलविंदर सिंह को ढूंढ रहा है। पाजी मेरा नाम तो ठीक है, पर मेरे दादाजी का नाम तो लड्डू सिंह है। अरे लड्डू पेड़ा सब छोड़ यार, तू खाली राय बहादुर सिंह सोढ़ी याद रख, तू उनका खोया हुआ पोता है, एक लौता वारी, समझ गया? कुछ भी बकवास करता है। क्या यार? मंटू तू मेरा हमदर्द है, सरदर्द। क्या? अरे तुझे कैसे पता है कि 25 साल पहले खोया हुआ पोता मैं हूँ? यही तो तुझे प्रूफ करना है। मैं कैसे करूंगा प्रूफ यार, तू भी ना। हाउ ओल्ड आर यू, आई मीन उम्र क्या तेरी? 25। तेरा कुल? नहीं पता। गोत्र? नहीं पता। खानदान? अरे मुझे कुछ नहीं पता। तभी तो क्या? विदा पत्री मिला तेरी सारी कुंडलियां मिलती है बे, सारे गुण मिलते तेरे। पागल तुझे कहां से पता होगा, तू तो छोटा नन्ना मुन्ना सा था, नाले में बह गया था तू, तुझे तो एक भाई ने पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन तेरे रगों में बलविंदर सिंह सोढ़ी मैं ही हूँ, राय बहादुर का पोता मैं ही हूँ। अरे क्या बात है मंटू, तुझे ना ही नहीं वकील होना चाहिए था, क्या दलीलें पेश करता है, कमाल कर देता है यार। चल चल हवेली चलते, हवेली चलते, बाकी बातें वहीं करेंगे ना। कहाँ? रुस्तम चिरकुट से मिलने जा रहा है? अरे नहीं, राय बहादुर सोढ़ी मेरे दादाजी। अरे पति खराब पति, राय बहादुर सोढ़ी से मिलने जा रहा है ऐसे इस हुलिया में? ऐसे जाएगा तो दादा तो क्या, दादा का दरबार भी नहीं पहचानेगा तुझको। क्या करूं? बहुत काम करना पड़ेगा तुम पे। हाँ थोड़ा कटिंग ऐसे, ये थोड़ी ग्रेंडिंग, थोड़ी सी पेंटिंग, ऐसा बना दूंगा कि दादा भी कहेंगे कि यार रापचिक पोता है, पोता हो तो ऐसा। मंटुक 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 बस जरा मेरे एक काम कर दे मंटुक, मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचा, जायदाद मिली और जायदाद का आधा का एक चौथाई का एक 2% मैं तेरे नाम जरूर करूंगा। बस डन डन। अब क्या रुलाएगा यार तू? बस मंटू एक बार मुझे उस हवेली तक पहुंचने तो दे, दादा से मिलने तो दे। इसको बोलते तकदीर। देख तू फेमस होने आया था ना, रुस्तम की खोली से लेकर राय बहादुर की हवेली तक का क्या शॉर्टकट तेरे को ऊपर वाले ने दिखाया है? जा जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। लेकिन मिला भाई अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो? अबे तू डर रहा है, अबे तू पंजाब दा शेर है, पंजाब दा शेर। देख जो डर गया सो मर गया, ये मुंबई है मेरी जान मुंबई, यहाँ डरने का नहीं, यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने का, कॉन्फिडेंस। बोले तो बोल बच्चन, समझा? जा घुस जा, एक तू ही बेस्ट है, बाकी सब वेस्ट है, जा घुस जा। ठीक है निकलो भाई, थैंक यू। सुन जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वेरी गुड। सर जी मैं बलविंदर सिंह दादाजी से मिलना है। प्लीज कम सर, प्लीज कम। थैंक यू सर। बाय बहादुर, याद रखना। क्या बात है? ओह माय गॉड, वाओ यार, दिस इज टू मच। है क्या ये जगह यार? कमाल है यार। रुस्तम की खोली से दादाजी की हवेली तक लाने वाला मैं तेरा एकमात्र दोस्त, तेरा दोस्त मंटोक, मुझे भूल मत जाना दोस्त। कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं। लेकिन दोस्त यार मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं? फैंटास्टिक। चकाचक कपड़े लग रहे हैं ना? लुकिंग नाइस। और ये चश्मा? अरे लगा के रखना। लगा के रखता हूँ। एकदम। और ये बटन लगा ले, बटन लगा ले। दादाजी बात जा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। चार्ज माउंट बटन। दादाजी 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 आया तेरा पोता। कौन है? ए किधर? मैं बलविंदर सिंह, सेठ राय बहादुर का एकमात्र पोता, इस हवेली का एकमात्र वारिस। बलविंदर सिंह प्लीज कम सर।
ये मेरे बगैर दो कदम नहीं चल सकता। यू को। अरे मंटू तू मेरा टेंशन मत ले। अरे दो कदम क्या बात, 200 मीटर चल के दिखाता हूँ, दौड़ के दिखाता हूँ। ये बल्लू, ये देख। ए नटी, देखा कितना फास्ट बना दिया तुमको, बना दूं? बड़े स्लो लगते हो, ये बाल कहाँ कटवाते हो? मेरे पास आओ, तुमको भी ऐसे ही बना दूंगा, इज माई मेकिंग। प्यारे जी, भैया जी, ये सब क्या है? भैया जी, पोता बटालियन बलविंदर सिंह कंपनी के सब लोग। मतलब सब सारे बलविंदर हैं। आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। आपका नाम क्या? बलविंदर सिंह। पूछ वाला चाचा यहाँ आइए, अपना नाम बताइए। बलविंदर सिंह। कहाँ से आए हो? मैं फौज से आया। अभी रिटायर हुए हैं? हाँ जी। सीधे माला पहने चले आए? हाँ जी। सीधे चले जाइए, आप आइए टक्कल चाचा। अपना नाम बताइए। बलविंदर सिंह है। आपकी परचूनी की दुकान है? है। आपके पोते हैं? है। पोता बाबा दोनों बलविंदर सिंह। दादा आप जाइए, आप चले आइए। पाजी खरामा खरामा, आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। आप कहाँ से हैं? नैरोबी से आया हूँ। नैरोबी कहाँ है? पंजाब में। पंजाब नैरोबी से बलविंदर सिंह, जाइए। ए सब लोग अपना नाम बताइए। बलविंदर सिंह। और एक बार जोर से बोलो। चुप। सही बलविंदर सिंह कौन है, इसका फैसला मामा जी करेंगे। प्यारे, 132 बलविंदर सिंह में से एक बलविंदर सिंह मामा जी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। भैया जी, पूछते पूछते मामा जी खुद अपना नाम बलविंदर सिंह बोलने लगेंगे। चल तब। ओ पिछली जरा पाजी, आप पेड़ कहाँ लगी हुई है? बलविंदर सिंह दी सिलेक्शन हो रही है। बलविंदर सिंह दी सिलेक्शन हो रही है, लेकिन बलविंदर सिंह तो मैं यार। ओए अग्गे काट सी, जो एक बलविंदर सिंह होर आ गया वो मैं हां। मैं बलविंदर सिंह लगता है। दादा जी गए। भाई साहब इतनी भीड़ क्यों यहां, क्या चल रहा है? बलविंदर सिंह का सिलेक्शन हो रहा है यार, उसी के लिए ये सब। अरे तो बलविंदर सिंह मैं हूं ना। बोलो बोलो उनको। हां नाम बोल। बलविंदर सिंह। नाम बोल। बलविंदर सिंह। क्या मैं भी बलविंदर सिंह? ये सब बलविंदर सिंह ही तो हैं। सबके सब बलविंदर सिंह। हां बलविंदर सिंह। कमाल है, चेहरे से तो कोई नहीं दिखता बलविंदर सिंह यहां। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ मेरे दादाजी के पास मैं आया हूँ। मैं अपने दादा से मिलने आया, तू दफा हो यहाँ से। बकवास करता है, पता करता है कौन है असली बलविंदर सिंह। पोते के लिए एक इश्तिहार, सिर्फ एक इश्तिहार दिया था और पूरा शहर उमड़ आया। टोटल 132 है सर, और सबका यही दावा है कि वही बलविंदर सिंह है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 132 बलविंदर सिंह, उनमें से असली कौन सा ही कैसे पहचानूंगा? डॉक्टर ने कुछ कहा? वो औरत अभी भी कोमा में है सर। उस औरत की इस पोटली से कुछ मिला? एक वोटिंग कार्ड। कहाँ की रहने वाली है? लुधियाना। नाम क्या है? जमुना। और कुछ मिला? एक ट्रेन का टिकट लुधियाना टू मुंबई। बाकी दिखाओ। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जी, और नाम जमुना, रहने वाली लुधियाना की, वहां जहां बहुत साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पोते को लेकर भागी थी। लक्ष्मी। यस सर। कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार करो जिसका जवाब सिर्फ असली बलविंदर सिंह ही दे सकेगा। स्पेलिंग आती है? खामोश। अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी समझ गए, नहीं तो भैया जी बोलते कम छोड़ते ज्यादा हैं। बदबू ही से आ रही है। भैया जी की गोली की बात कर रहा हूं मैं। तुम सबकी शक्लों पर ऐसी मनहूसियत छाई है कि देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी हमारे परिवार से हो, हमारा खून हो। भैया जी हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया? हाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। भैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तुम लोग यहाँ आने से पहले कम से कम अपनी शक्ल आईने में तो देख के आए होते। सब 420 चोर उसके पॉकेट मार बच्चा चोर लग रहे हो तुम लोग। ओए 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 बच्चा चोर पॉकेट मार किसको बोला रहे? तेरे को बोला। जो खाना खाड़ ले। नहीं नहीं मुझे बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ना बोलेगा, अरे बहुत डेंजर आदमी है। अच्छा? हाँ, पूरे महल के सारे खम्बे उखाड़ लेगा। खम्बा तो दूर, तू बल्ब छू के दिखा, चल आ जा। चुप। फिर भी तुम सबको एक मौका दिया जाएगा। सवाल तैयार हैं? सब तैयार हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए
तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बांट दो। लीजिए अपना पेपर। और जूली जी तुसी आते? पहले बताया था कट्ठे आ जाते। जूली? कौन जूली? मैं लक्ष्मी हूँ। इस घड़ी का कांटा ठीक 12 पे आते ही तुम लोगों का समय शुरू हो जाएगा। समय शुरू। अब तुम्हारे इन जवाबों से मामा जी तय करेंगे कि तुम में से कोई भी असली बलविंदर सिंह है भी या नहीं। क्या हुआ, कोई नतीजा निकला? मामा जी, शक्ल से सबके सब चोर उचक्के नजर आते हैं, हमारा अंश किसी में भी दिखाई नहीं देता। अरे साहब जी, उनमें कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जिनके खुद के कई पोते होंगे। सर, मगर उनमें से 4 ने सही जवाब दिए हैं। क्या, 4 लोगों ने सही जवाब दिया? मतलब उन 4 में से कोई एक मेरा खून होगा, मेरा पोता होगा। मामा जी, मगर 4 ने एक ही जवाब दिया है, ये हमारे खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। नहीं नहीं, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, हम 4 से मिलना चाहते हैं। प्यारे जी, भैया जी, उन 4 की मुलाकात मामा जी से करवाओ। ठीक। पोता नंबर 1, पोता नंबर 2, पोता नंबर 3, पोता नंबर 4। आ रहे साहब जी तुम लोगों से मिलने, अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। पाजी, ये साहब जी कौन है? अरे कर दी ना छोटी बात। अरे साहब जी यानी मेरे दादाजी, करेक्ट ना सर? सर, एक ग्लास पानी मिल सकता है? जी बस पानी, और आपको क्या चाहिए? थोड़ा दूध शुद्ध लस्सी वस्सी थोड़ा मिलेगा जी। और तुम्हारी कोई फरमाइश? हम सब करके आए। अच्छा, तुम सब करके आए हो, और आपकी कोई फरमाइश? सुनो। बोलो। भूख लगी है। कुछ स्नैक्स मिलेगा? हाँ स्नैक्स मिलेगा। स्नैक चलेगा? 4 सवालों के जवाब क्या दे दिए समझते हो? किला फतेह कर लिया? अरे यूं करके पता चलेगा तुम में से कोई साहब जी का पोता है भी या नहीं। लाइन लाइन लाइन। दादाजी, 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 ए पैर छोड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हवेली के सबसे पुराने मुलाजिम है बनवारी काका, गांव जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई बनवारी काका आपसे मिलके। तुम लोग बिना किसी को भी पकड़ के पैरों पे गिर के दादाजी दादाजी, बनवारी चाचा हमारे हवेली के पुराने मुलाजिम। अरे मैंने सोचा तेरे दादाजी हैं, शक्ल काफी मिलती जुलती है। अक्ल तुझसे मिलती है। ए साहब जी आगे, पोजीशन पोजीशन। यही है वो 4। नमस्ते दादाजी। नमस्ते साहब जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल और दिमाग के बीच में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। दिल ये सोचकर खुश है कि तुम 4 में से कोई तो मेरा पोता है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि पहले ढूंढ तो लूं जिसे गले से लगाने के लिए मेरा मन मचल रहा है। तुम 4 में से कोई मेरा पोता है जिसे तलाश करने मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता, अगर उस दुर्घटना में से तुम में से किसी एक की मां कोमा में नहीं जाती। मां कोमा में? ये सबके सब साले घाक खिलाड़ी हैं। जमुना जहां कहीं भी है, बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है उसका, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आ जाती, तुम में से मेरा पोता कौन है ये जानने का तरीका है मेरे पास, डीएनए टेस्ट। लेकिन साहब जी, अब डीएनए टेस्ट और उसकी रिपोर्ट आने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, तब तक क्या ये लोग यहीं रहेंगे? इनकी मौजूदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि इन्हीं में से यहां पर कोई है, मेरा अपना खून, मेरा अपना पोता।